और ना जाने ये उत्तम कुमार को क्या हो गया। ये हमेशा भाग करके अपने मित्र के पास जंगल चला जाता है। पता चला है मेरा पुत्र फिर से जंगल चला गया। मैं दरबार में इंतजार करता हूँ। अरे तेरी अलग पिताजी के चरणों में ध्रुव का प्रणाम स्वीकार आशीर्वाद है। प्रणाम स्वामी जी। जी ये क्या बक रही है तू? हे ईश्वरी सभा में आ करके तू मुझे स्वामी कह करके प्रणाम कर रही है। क्यों नहीं पागल हो गई है तू? आप मेरे स्वामी हैं। अगर मैं आपको स्वामी नहीं कहूं तो फिर मैं क्या कहूं? लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं? मेरे पास ये सबूत है स्वामी जी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ये है स्वामी जी, आप जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार खेलना क्षत्रिय का धर्म है। मैं एक बार नहीं बल्कि हजार बार गया हूँ। और उस जंगल में शिकार खेलते खेलते आपको पानी प्यास लग गई। और पानी के कारण आप जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने के बाद आप पानी पानी करके चिल्ला रहे थे। अगर मैं उस समय आपको पानी नहीं पिलाती तो आप मर जाते स्वामी जी। पानी पीने के बाद आप होश में आए। होश में आपने मुझसे कहने लगे, हे भिखारा अब मैं इस जगह से कहां जाएंगे? अगर मैं इस जगह से आगे बढ़ता हूं तो मुझे जानवर ने जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप रात भर मेरे झोपड़ी में रहे, ऐसे आराम किए। जब आप सुबह जाने लगे, जाने के समय में मैं आपसे कुछ निशानी मांगे थे। कैसा निशानी है वो? निशानी के तौर पर आपने मुझे ये सोने का अंगूठी दिए थे। तू क्या कर रहा है रे बौका कहीं का? ए महाराज सब चोरी पकड़ा गया। कौन चोर? क्या चोरी पकड़ा गया? आप है चोर। पहले हाथ दिखाइए, हाथ चुराइए मां, हाथ बाहर कीजिए। बताइए तहजवास वाले की मंदिर का काम है। हे भगवान, हे भगवान, जंगल के लोग शिकार खेलना कि ढोरी ढोरी छोड़ चले? पागल हो गया है तू? पागल नहीं है, दिमाग खराब है। तुम्हारे दिमाग में कीड़ा से कटवा दूंगा। अब बात ए लंडेवाज क्या पक रहा है? लंडेवाज सब बात कहो, खबरदार मुझे भिखारी। हाँ स्वामी जी,
अगर तू भरी हुई सभा में आकर के तू मुझे स्वामी कह करके प्रणाम कर रही है तो अपना घूंघट हटाओ और अपना सूरत मुझे दिखाओ। ए महाराज क्या है बड़ो मुंडो चाली भर स्वामी जी मैं अपना चेहरा दिखाने की काबिल नहीं हूँ। तो निकल जा मेरे दरबार के सामने के रास्ते से। ठीक है स्वामी जी अगर ऐसी बात है तो मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए जंगल में मुझे पानी पिला करके होश मिला दिया तो उस घनघोर जंगल में तू अपना सूरत मुझे देखने के लिए क्यों नहीं दिया महाराज जी। अगर मैं उस जंगल में आपको अपना सूरत देखने के लिए देती तो आप हमें छोड़ करके मान नहीं जाते। लेकिन महाराज ये लड़का कौन है जिसे तू पुत्र कहती है और वो लड़का तुम्हें माँ कहकर के पुकारता है महाराज। मैं इस बच्चे को पहचानता नहीं। जिस रात आप जंगल में मेरे साथ में रात बिताए थे क्या उसी रात का आपका बेटा आपका पुत्र महाराज आज मेरा बेटा आपके लिए आज 14 बरस से लड़ाई महाराज आज अपने पुत्र की आगे उसकी नजर के सामने मैं नीचे हो चुका हूं।
पीछे। यही वो दरबार है महारानी, जिस दरबार में ये लड़का उत्तम कुमार का मित्र बन करके आया था और मेरे नजर के सामने अपने पिता के लिए आंसू बहाता था महाराज। कैसे मैं कहूं इस समय कि पुत्र मैं ही तुम्हारा पिता हूं, फिर भी महाराज इस बच्चे को एक बार मेरे सीने से लगा दो। बेटा ध्रुव, बेटे आज जंगल में जिस पिता के लिए आज तुम 14 बरस से जंगल में लड़ाई था, आज देखो बेटा वही पिता तुम्हारे सामने में खड़ा है। बेटा जाओ बेटा, आपने पिता की पैर पकड़ के इतना जोर से कीड़े की तरह गिरना, अगर तुम्हारे पिता का दिल पत्थर का भी होगा तो उसे पिघला करके मोम कर देना बेटा। जाओ बेटा। हे भगवान, जिस पिता के लिए मैं बचपन से जिसका अंगूठी पकड़ कर बेटा चलना सीखता है। हेलो,